आरएलपी सयोजक और सांसद हनुमान बेनीवाल का कहना है कि निकाय चुनाव में भाजपा से गठबंधन को लेकर बात चल रही है और उसी के आधार पर रणनीति बनाकर आरएलपी अब अपना दमखम लगाएगी। दरअसल आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का पहला स्थापना दिवस है। इस मौके पर हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने धूमधाम से स्थापना दिवस मनाया। हनुमान बेनीवाल ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि आरएलपी ने अपने एक साल में कई सफलताएं हासिल की हैं, इस पर जनता का पूरा समर्थन मिला है। देखिए, एक साल गरिमा में पूरा हुआ आरएलपी के गठन के बआद, और जिन मुद्दों को लेकर आरएलपी का गठन हुआ, राजस्थान के अंदर संपूर्ण कर्ज माफी, मुफ्त बिजली, टोल मुक्त राजस्थान और बेरोजगारों को रोजगार, ये प्रमुख मुद्दे थे। जन आंदोलन था राजस्थान के अंदर, और उसके बाद जन आंदोलन के माध्यम से हमने तीसरे विकल्प की बात करी। राजस्थान के अंदर नई पार्टी बनाई, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, उसका एक साल आज पूरा हुआ है। और चलिए सीधे जयपुर एयरपोर्ट का रुख करते हैं। जयपुर से लौट रहे केंद्रीय मंत्री